यूपी के उंभा गांव में ग्राम प्रधान की दबंगई और खूनी खेल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि जिले के म्योरपुर थाना क्षेत्र के कुंडाडीही गांव निवासी एक परिवार ने प्रधान पर दबंगई का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रधान के डर से वह लोग कई दिन गांव से बाहर समय गुजार चुके हैं और प्रधान उन्हें अक्सर रास्ते के विवाद को लेकर डराता धमकाता है। उंभा कांड से सहमा प्रशासन गांव प्रधान की दबंगई से पलायन की खबर से सक्रिय हो गया और मामले को सुलझाने में जुट गया। एसडीएम ने बताया कि यह पाटीदारी का विवाद है, परिवार के गांव छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। मामले की जांच की जा रही है और परिवार गांव में ही इसमें मौजूद है। सोनभद्र के जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर म्योरपुर ब्लॉक के कुंडाडीही गांव में एक परिवार ने ग्राम प्रधान पर दबंगई का आरोप लगाते हुए पलायन की बात कही है। परिवार के लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान के भय से वह लोग कई दिन बाहर बिता चुके हैं। प्रधान तरह तरह से रास्ते के विवाद को लेकर प्रताड़ित करता है, इसलिए वह परिवार के 8 सदस्यों के साथ लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे और मंदिर समेत कई जगह पर शरण ली थी। वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान का कहना है कि यह सभी आरोप झूठे हैं। उनके खेत से होकर एक रास्ता जाता था जिसको उन्होंने अपने खेत पर बांस लगाकर बंद कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर यह लोग तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे परेशान करते हैं और पुलिस प्रशासन में शिकायत भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन इसे पाटीदारी के विवाद में पलायन का रूप देने की बात कह रहा है। एसडीएम ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही परिवार का है और पलायन जैसी कोई बात नहीं है। आपसी विवाद की बात सामने आई थी, दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया गया है और जिस परिवार ने पलायन किया था वह वापस गाँव में लौट आया है। राजिंदर नाम है और ये लोग हमसे पहले से लड़ रहे हैं सब खेत के मामला में। बोल रहा है कैसा है कि रास्ता से यहाँ घर से हटाना चाहता है हमको कि हम यहाँ से हट जाना है, तुमको मार कर फेंक देंगे हम लोगों की। तो ये लोग अपना रास्ता बोल कहिए से धीरा रहे हम लोगों की ऐसा है, इसमें चलोगे तो मार कर तोड़ देंगे, कोड़ काट देंगे, काट देंगे, जान मार देंगे, सब इसे बोल रहे थे। हम लोग कहा जाने के माले कि ऐसा का हमारे साथ करेगा, हम लोग की माँ के साथ ऐसा करेगा। हाँ, एक दिन पहले एक आध दो बात हल्का जब मेढ़ काट रहा था तो आज भी बोला कि ऐसा है कि इसको बाबा मत काटो। ये तो क्या किया कि ज्यादा लड़ाई करने लगा। इसके बाद उस एक दिन लास्ट में सवेरे हुआ तो बोल रहा है कि ऐसा है कि पूरा छेक लिए, घेरावा कर लिए रास्ता, कि जब अभी आएगा इन लोगों का टाइम हो गया काम करने का समय आते जाएंगे तो अपना ये अभी मारेंगे इन लोगों की। मंदिर में जाकर रात में 2 दिन सोली और का कहना सरकारी अस्पताल में 2 दिन रह ली और 2 दिन वहाँ जाकर लोढ़ी जाकर 2 दिन रहल है हमरे, 2 दिन दूधी जाकर रहल है हमरे। घर में भाग भाग कर खाली डर की मान हम की घर चढ़ कर का कहना हम की मारता हूँ कि घर में रह ना दे तो उनकी तोर घर ना हो हमार घर घर में तोरे आगे लगा दे घर में अबे तक मट्टी तेल डीर जब छींच करी ऐसे करे बना हमन के मत हमरे कहाँ भाग भाग कई दिन दिन काटब हमरे लैका छना हमारे घर रोत आना दाना बेगर पानी बेगर हम दुखे में ऐसे अपने बिला थी छाती पर चढ़ चढ़ कर मारे माना हमार खून जाम गलवा हमने किना रोवत बीतता रात दिन दरा नहीं खाता हम दूध पी कर 3 दिन दूध पी कर जी अल। हमारे घर मकान रूप छतर से हुआ तब से घर मकान बना कर है, पेड़ पौधा घर मकान है सर। हमारे बुढ़िया के मार दिए जान चला गया तो दांत टूट के मारे हैं। अब बुढ़िया कहते हैं वहाँ हाथ उठाने गए घरे पर चढ़ कर मारे हैं पूरा परिवार, पूरा हमारे कैलाश और हमारा पूरा परिवार है। बियार दूठे बियार एक ठे बियारी मारे हैं संगे लेकर। बुढ़िया मर गई तीसरा बार में था कि मर गई बुढ़िया, हम उठावे थे तो कहते हैं भाग भाग नहीं तो सब मारो छाता छत्ता गोभे बना बाबू। हम राम ये ग्राम प्रधान के राम सुधार के बगल के पड़ोसी हैं। इन लोग का मामला है खेत के लफड़ा चल रहा है कि बार बार कई साल से करते हैं फंसाते हैं, प्रधान जी के खिलाफ दरखास्त देते हैं करते हैं और उस दिन कुछ हुआ नहीं था, वही लोग आके झगड़ा लड़ाई किए और पुलिस आती है, उन लोग दरखास्त देते हैं आते हैं उन्हीं लोग को फिर डांट के जाती है पुलिस। हम पड़ोसी हैं प्रधान जी के, उनका भी पड़ोसी हैं ठीक ना। उस दिन हम खेत पर गए थे घूमने के लिए तो उन लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे खेत के बारे में, घास निकलवा रहे थे प्रधान जी तो घास नहीं निकाला दे रहे थे,
बार बार लड़ाई करते हैं, वही थाना पे जाते हैं। साल दो साल से पुलिस आती है, जेकर तुम उनको डांटती है गाड़ती है फिर चुप हो जाते हैं। कल क्या हुआ था? कल आए थे मौके पर, चेक किए, पूछे, हमसे भी पूछे कि प्रधान जी बोले रास्ता के लिए, बोले उन लोग कि इसमें बता तुम लोग रास्ता में रोकते हैं प्रधान जी? तो हम बोले हम लोग तो नहीं रोकते हैं, नहीं आने जाने के लिए कोई नहीं बोलता है। पूछे मौके पर आके, बस ये हम लोग ये जवाब दिए कि नहीं रोकते हैं प्रधान जी। कैसे उसे लड़ाई हुआ था? उस दिन वही की लड़ाई हुआ था घास निकालने के लिए। किधर से सबसे पहले लड़ाई हुआ था? सबसे पहले वही गाली दे रही थी औरत। कौन? राजेंद्र की औरत थी, बहादुर की। गाली गलौज किधर से? उधर से हुआ था। हाँ, उधर से हुआ था, तब फिर इधर से भी दे रहे थे। झगड़ा का शुरुआत किधर से पहले हुआ था? उधर से हुआ था। आपके ही घर के बगल का एक आदमी आप पर आरोप लगाया है कि आप उसे मारे पीटे थे और आपके डर से वो घर छोड़ के भाग गया था, जाके मंदिर में था, क्या तो, मामला है प्रधान जी? वो गलत बात है। हमारे खेत के बगल में उसका मकान है और उस जो है हर समय हमारे खेत में क्षति करता है और गरु गाय छेरी बकरी से सब हमारा फसल चला लेता है। जब उससे मना करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। उसके घर का औरत बहुत भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां देती है और झूठो बिना मतलब नहीं जो है लोट पोट के जाएगा पुलिस में और दरखास्त देगा, और दरखास्त देने के बाद पुलिस जांच में आती है तो उस जांच में कुछ मिलता नहीं, उसी गलती मिलता है और वो जो है खुद पुलिस डांट कर उसको जाती है। सर, मीरपुर थाना क्षेत्र के कुंडाड़ी गांव में प्रधान की दबंगई से एक परिवार पलायन कर गया, तो क्या मामला है, कार्रवाई क्या की गई? देखिए, ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया था और इसमें तत्काल पुलिस हस्तक्षेप करके कोई सुखरमन भारती थे और प्रधान के वो आपसी पटीदारी थी, आपस में एक ही परिवार के रहे होंगे या पटीदारी जिसको कहते हैं, तो कुछ मारपीट हुई थी। अब पक्ष विपक्ष अपना अलग अलग तरह की बात करते हैं, फिलहाल मामला दोनों के बीच हल करा करके दोनों उसको भी अपने घर पहुंचा दिया गया है। अब वो तस समय जैसे भी था मामला संज्ञान में आने पर इसको वापस अपने घर पहुंचवा दिया गया। सर, क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई जांच का विषय है, जांच पुलिस कर रही है, छानबीन कर रही है कि वास्तव में प्रधान ने कोई दबंगई दिखाई थी या क्या घटना थी, जांच के बाद कोई उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या सभी सर परिवार गांव में है या बाहर? नहीं, अपने घर है, अपने घर पहुँचवा दिया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।